आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सभी विद्यार्थियों ने, जिसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे भी शामिल थे, सबने प्रचारी मोदी के नाम पे एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि 25% सीटें फिर भी बढ़ाई जाए, क्योंकि कई बच्चों का महाविद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ। और ये मांग की है कि हर सूचना ऑफलाइन विद्यार्थियों को दी जावे, क्योंकि प्राचार्य मोदी कोई भी सूचना के बारे में प्राचार्य मोदी से बात की जाती है तो प्राचार्य मोदी यही बोलते हैं कि उनको फ़ोन पे मैसेज के द्वारा या पीडीएफ के द्वारा उनको सूचना पहुंचा दी जाएगी। लेकिन प्राचार्य मोदी को शायद ये ज्ञात नहीं होगा कि आज तक कुछ भी ग्रामीण बच्चों के पास टेक्निकल ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, इसके कारण उनको SMS और PDF के द्वारा ये सभी सूचनाएँ नहीं मिलती। मैंने आज सुबह ही प्राचार्य मोदी से एक ही मांग की थी कि यहाँ बोर्ड पर सारी सूचनाएँ लगा दी जाए, तो प्राचार्य मोदी ने यही बोला कि PDF द्वारा उनके फ़ोन पे मैसेज के द्वारा पहुँचा दी जाएगी। ये मांग मैंने की और इसके द्वारा ये आधे एक घंटे की बहस के बाद प्राचार्य ने ये मांग मानी और PDF ये फोटोकॉपी मेरे यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लगाई। इसके बाद आज मैंने जिन बच्चों का मेरे पास समस्या है और 25% सीटें बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया, प्राचार्य मोदी ने वो ज्ञापन लेने से इधर आ गए, हमसे मिले नहीं और बच्चों को ज्ञापन देने से पहले ही रोक लिया। तो हम मांग करते हैं कि सीटें बढ़ाई जावे, सबसे बड़ा महाविद्यालय इसलिए बच्चों को बहुत सारी आशाएँ हैं, NCC भी है, और यदि दूसरे महाविद्यालय में बच्चे गए तो उनको फीस ज़्यादा फीस लगेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि सीटें बढ़ाई जाए। दिनेश चौधरी, छात्र प्रतिनिधि, GCA। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में छात्रों द्वारा सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर हम ज्ञापन देने जा रहे थे। हम यहाँ पे 6 छात्र कुल महाविद्यालय में एकत्रित हुए थे, तो प्रिंसिपल सर द्वारा मेरे को वहाँ पे उनकी टीम द्वारा 15-20 जनों द्वारा हमें ज्ञापन से 5 मिनट पूरे उधर रोक लिया गया और उन्होंने हमारे को रोके और मेरा मोबाइल खोज लिया, मेरे साथ बदतमीजी की गई और सर ने हमारी स्टूडेंटों की आवाज़ दबाने की कोशिश की। हम 25% स्टूडेंटों की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन दे रहे थे, हमें ज्ञापन देने से रोका जा रहा है, ये तो एक दादागिरी हो गई सर। हमने 2 दिन पहले बोला था, हमने पहले ज्ञापन दिए थे तो सर ने हमारी बात मांगनी हुई, डेट नहीं बढ़ी, और हमने ये ज्ञापन हमारी सीटें बढ़वाने को लेकर था तो हमारी मांग को रोका जा रहा है, हमारी मांग को दबाया जा रहा है, तो भी हम ज्ञापन देंगे। और नहीं बढ़ाई जाती तो अगर सीटें नहीं बढ़ाई जानी जाती है तो हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, कॉलेज बंद करवाएंगे, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करेंगे और पूरे मतलब राजस्थान में प्रदर्शन करेंगे। आपका नाम बताएं? आशुराम डुकिया। आज आयुक्तालय द्वारा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई, जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उन सभी को हमने महाविद्यालय की ओर से SMS भेज दिया है। कुछ बच्चे और शेष रह गए हैं, उनके लिए कन्वर्जन के पश्चात एडमिशन के पर्याप्त चांसेज हैं। आर्ट्स में अभी 256 सीटें खाली हैं, कॉमर्स में जिनका नाम नहीं आया है उन सभी का एडमिशन पूरा हो जाएगा। कॉमर्स में चाहे BCom पास कोर्स हो, BCom ऑनर्स हो या BBA हो, सभी का एडमिशन कॉमर्स में पूरा हो जाएगा, उनके लिए पर्याप्त स्थान है। और साइंस में अधिकांश बच्चों का एडमिशन सीटें कन्वर्ट करने के पश्चात हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ST, SC, OBC और EWS जो रिजर्वेशन है उनमें कई सीटें खाली है। मुख्यतः जो वेटिंग लिस्ट बची है वो कला वर्ग में बची है, कला वर्ग में 256 सीटें खाली है। अगर ST के फॉर्म्स नहीं आते हैं तो ये सभी सीटें SC, OBC और जनरल में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो 256 सीट में 256 एडमिशन हमारे यहाँ और होंगे और उसके पश्चात कुछ विद्यार्थी ही शेष रह जाएंगे। और अभी सीटें बढ़ाने का इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वह हम राज्य सरकार को भिजवा देंगे, लेकिन ये सीटें बढ़ने पर जो निर्णय होता है वो राज्य सरकार के स्तर पर ही होता है।